में कुछ के मारो भाई, मारो का करो, मार डालो। किसने मारा आपको? बागेश्वर धाम सरकार के छोटे भाई सालेग्राम गर्ग ने मारा। कहाँ मारा? दिखा रहे थे, कट्टा निकाल रहे थे, कट्टा निकाल रहे थे, हमने कहीं मारो साहब, जो ऐसी ना हमारा, हाँ मारो साहब, हमारी ना का जो नाबालक बच्ची के कपड़ा फाड़ दे, पीछे भी करी, जीती करी, हमारी नाबालक बच्ची की नौ में पढ़ती है। छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। गड़ा गांव के एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुसकर शालिग्राम ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी घायल हो गए हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, जहां एक तरफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने जिले, प्रदेश और देश में भारत की छवि को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके छोटे भाई शालिग्राम उनकी मेहनत पर पानी फेरने पर तुले हुए हैं। यह पहला मामला नहीं है जब शालिग्राम का नाम मारपीट या किसी को डराने धमकाने में आया है। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इस बार का मामला जीतू तिवारी नामक एक ब्राह्मण परिवार के साथ मारपीट का है, जिसमें तीन लोगों पर FIR दर्ज की गई है। एडिशनल SP विक्रम सिंह ने बताया कि सारे सबूत और गवाहों को ध्यान में रखकर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी सर, क्या है गड़ा का मामला जो मारपीट के वायरल हुई? ये वीडियो जो आप जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, ये ग्राम गढ़ा का है और इसमें फरियादिया जो है मुन्नी तिवारी जी, उन्होंने थाने में कंप्लेंट करी है कि उनके साथ मारपीट हुई है। इसमें हमने FIR रजिस्टर्ड कर लिया है, जो MLC रिपोर्ट थी उसके आधार पे 323-294-506 के तहत, और इसमें तीन नामजद आरोपी हैं जो भी उसी गांव के हैं। इसमें तीन हैं नामजद आरोपी, एक इसमें शालिग्राम गर्ग है, दूसरे कुलदीप ठाकुर और तीसरे मंजीत सिंह पर। जैसे मैंने बताया आपको कि फरियादिया की कंप्लेंट में हमने प्रायमा फेसी तीन लोग में FIR किया है। आगे इसमें जो भी फैक्ट आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, एविडेंस आएंगे और इसमें स्टेटमेंट भी होंगे फरियादी पक्ष के, सब साक्ष्य आएंगे। तीन लोग हैं इसमें नामजद हैं, इसमें एक शालिग्राम गर्ग है, एक कुलदीप ठाकुर, एक मंजीत सिंह। शालिग्राम गर्ग के ऊपर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं और सर अभी तक वैसी क्या कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा ठोस की? इसमें हमने सभी में FIR करी है, जो अभी प्रायमा फेसी मुझे ध्यान आ रहा है दो पूर्व के मामले, एक तो ऑलरेडी सब जुडिस है और दूसरा मैटर बड़म नहर के पास टोल के विवाद का था, उसमें भी FIR रजिस्टर्ड है, उसमें भी कार्रवाई की। गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं, टीम बनाई जा रही है? नहीं, निश्चित इसमें SDOP जो खजुराहो हैं उनके माध्यम से टीम कार्रवाई कर रही है और जल्दी इस प्रकरण को हम पहले ही सर मामले में फरार चल रहा है। मैंने आपसे जैसे बताया ना, एक मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, कोर्ट में है और एक मैटर में इनकी गिरफ्तारी और आगे कार्रवाई। गिरफ्तारी को लेकर इसमें SDOP खजुराहो के नेतृत्व में कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्दी हम इसको क्लोज करेंगे। पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस नहीं कर रही, अभी अपने को सुना रहे हैं, सुना रहे थाने में खड़े हैं, बड़े साहब के गए अभी आए भी नहीं है। आपको भी मारा है? आपको मारा, आपको भी मारा तब बड़े साहब लोग उतर ही दरबार में, उतर ही दरबार में बैठा था, बड़े साहब पर यहां नहीं आ रहे, हम थाने में डरे हैं, पर्चा खुलवा रहे दरबार में, पैसा में बैठे पूरे थाने कमीठा पैसा में। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। धन्यवाद।